मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अध्याय 6 अर्थात कार्य ऊर्जा तथा शक्ति के चौथे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम देख लें कि हमारे आज के इस लेक्चर के शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम वृत्तीय गति तथा अभिकेंद्र बल के उदाहरणों को समझेंगे और इसके उपरांत ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको स्मरण होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने शक्ति तथा संघट्ट की परिभाषा दिया था और इसके साथ साथ हमने ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में आज हम सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे कि वृत्तीय गति तथा अभिकेंद्र बल के उदाहरण कौन कौन से हैं। हम जानते हैं कि आर त्रिज्या के किसी वृत्त में एक समान चाल स्मॉल v से गतिमान किसी पिंड का त्वरण v स्क्वायर अपॉन r उस वृत्त के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होता है। इस अभिकेंद्र त्वरण को प्रदान करने वाला बल होता है fc बराबर mv स्क्वायर बाई r। इस सूत्र को हमने न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के आधार पर लिखा है जो ये कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो fc अर्थात अभिकेंद्र बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण के और इसका मान मिला fc बराबर mv स्क्वायर बाई r के। यहां यम पिंड का द्रव्यमान है, केंद्र की ओर निर्दिष्ट इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यहां से स्पष्ट हो जा रहा है कि अभिकेंद्र बल वह बल है जिसके कारण कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, जिसमें प्रत्येक स्थिति में पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्र बल उसके रेखीय वेग की दिशा के अभिलंबवत होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। इस चित्र में आप देखें कि किसी वृत्त की परिधि पर कोई कण P एक समान चाल स्मॉल v से गति कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में देखें आप, कण पर एक बल कार्य कर रहा है fc और यह बल fc इस वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट है। यह अभिकेंद्र बल है और इसका मान है fc बराबर mv स्क्वायर बाई r के। r इस वृत्त की त्रिज्या मानी गई है। सभी वृत्तीय गतियों में अभिकेंद्र बल प्रकृति द्वारा स्वयं प्रदत्त होता है। अनेकों उदाहरण हैं। आइए पहला उदाहरण हम देखते हैं। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य के कारण उस ग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। सभी ग्रह सूर्य के परितः परिक्रमण करते हैं जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, तो उस परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण देखें। किसी डोरी से बंधे पत्थर को वृत्त में घूर्णन करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव बल से प्राप्त होता है। पुनः देखें, परमाणविक संरचना के बारे में आप जानते होंगे कि परमाणविक संरचना में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल के द्वारा प्राप्त होता है। चौथा उदाहरण देखें, समतल सड़क पर कार की गति। किसी क्षैतिज सड़क पर कार को वृत्तीय मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। इस चित्र में आप ध्यान से इस उदाहरण को देखिए। यह एक समतल सड़क है,
और कोई कार इस समतल सड़क पर वृत्तीय मोड़ ले रहा है। मोड़ का केंद्र O है और मोड़ की त्रिज्या R है और अभिकेंद्र त्वरण A वृत्त के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है तथा कार एक समान चाल स्मॉल v से गति कर रहा है। चित्र में आप देखें कार पर तीन बल आरोपित हो रहे हैं। पहला, कार का भार mg जो ऊर्ध्वार्तः नीचे की ओर दिष्ट है। सड़क द्वारा कार पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल n जो ऊर्ध्वार्तः ऊपर की ओर दिष्ट है और घर्षण बल स्मॉल f, क्योंकि यहां ऊर्ध्वार दिशा में कोई त्वरण नहीं है अतः n माइनस mg बराबर जीरो होगा और इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n बराबर हो गया mg के। ध्यान दीजिएगा यहां स्थैतिक घर्षण ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है अतः f बराबर हो गया mv स्क्वायर अपॉन r के। अब यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू s है तो हम जानते हैं कि f का मान म्यू यस यन के बराबर होगा या उससे कम ही होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यम वी स्क्वायर बाई आर ये लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, म्यू यस यन के। या यहां पर यन का यदि हम मान यम जी रख देते हैं तो समीकरण हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू म्यू यस यम जी के। यम से यम कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिला वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू यस आर जी के। यहां पर आप देखें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा वी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी के मिला, अर्थात वी का मान या तो अंडर रूट म्यू यस आर जी के कम होगा अथवा इसके बराबर होगा। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि v का अधिकतम मान कितना हो सकता है, v अधिकतम बराबर अंडर रूट म्यू यस आर जी के बराबर ये मिल सकता है। इस सूत्र में कहीं भी हमें द्रव्यमान नहीं दिखाई दे रहा है तो स्पष्ट हो जा रहा है कि समतल सड़क पर मुड़ते समय कार का जो अधिकतम चाल है वह म्यू यस और आर पर निर्भर कर रहा है। बच्चों यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि समतल सड़क पर टायर तथा सड़क के बीच का घर्षण बल ही वृत्तीय मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यदि वाहन की चाल बहुत अधिक है तथा या अथवा मोड़ अत्यंत तीव्र है अर्थात त्रिज्या बहुत कम है अथवा सड़क गीली है तब घर्षण बल इन स्थितियों में आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है तथा मोड़ लेता हुआ वाहन फिसल जाता है। अतः वृत्तीय मोड़ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की घर्षण बल पर निर्भरता को कम करने के लिए वृत्तीय मोड़ पर सड़क को ढालू बनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि यदि सड़क ढालू है तो उस ढालू सड़क पर कार की गति का क्या स्वरूप होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां एक ढालू सड़क को प्रदर्शित किया गया है। ढालू सड़क का समतल से ढलान कितना है, थीटा है और इस पर कोई कार है जो वृत्तीय मोड़ ले रहा है। यदि हम कार की बात करें तो आइए देखिए इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो पहला, इस कार का भार mg ऊर्ध्वार्तः नीचे की ओर काम कर रहा है और ढालू सड़क द्वारा कार पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल ढालू सड़क के अभिलंबवत दिशा में कार्य कर रहा है, इसे हम कैपिटल n से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पर n को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, एक घटक प्राप्त हुआ यन कॉस थ्रीटा और दूसरा घटक प्राप्त हो रहा है यन साइन थ्रीटा। अब चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि चूंकि ऊर्ध्वार दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है अतः यन कॉस थ्रीटा माइनस एम जी ये बराबर होना चाहिए जीरो के और यहां से आप लिख सकते हैं अथवा n cos थ्रीटा बराबर हो गया
यम जी के, इसे हमने मान लिया कि यह समीकरण एक है। पुनः यदि आप चित्र को देखें तो बल यन साइन थीटा मोड़ के केंद्र की ओर दिष्ट है, अतः यही कार को वृत्तीय मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल के सूत्र से हम लिख सकते हैं कि यन साइन थीटा बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और ये हमने मान लिया कि समीकरण दो हो गया। अब यदि समीकरण दो में समीकरण एक से भाग दे दिया जाए तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा, अतः यन साइन थ्रीटा अपॉन एन कॉस थ्रीटा बराबर हो जाता है एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी के। आप देखें यन से यन कट गया, यम से यम कट गया, और अंततः हमें इस समीकरण का स्वरूप मिला, अथवा टैन थ्रीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी के। आप इस सूत्र में देख पा रहे हैं कि ढलान अर्थात थ्रीटा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, वी पर और आर पर। वी कार की चाल है और आर मोड़ की त्रिज्या है। तो वी और आर के आधार पर हम निश्चित कर पाते हैं कि सड़क को हम कितने ढलान पर रखें ताकि कार सकुशलता पूर्वक उस मोड़ को पार कर जाए। वृत्तीय मोड़ पर ढालू सड़क के उपयोग को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। आप देखें पहाड़ों पर चक्करदार सड़कों का बाहरी भाग ऊपर उठा रहता है, अर्थात इन्हें ढालू बनाया जाता है। ऐसा होने से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां स्वतः ही चक्कर के केंद्र की ओर झुक जाती हैं, जिससे उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आइए जरा हम आपको एक उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं। देखें, कहता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल को कम किए 3 मीटर त्रिज्या का तीव्र वार्तुल मोड़ लेता है। टायरों तथा सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा में यह बताया था कि साइकिल सवार के न फिसलने की शर्त है कि वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस आर जी के। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो देखें, प्रश्नानुसार म्यू एस का मान दिया है 0.1, आर का मान दिया है 3 मीटर, और हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस आधार पर हमें मिला, अतः म्यू एस आर जी बराबर हो गया 0.1 × 3 × 9.8। आप हल करेंगे तो ये मान मिलेगा 2.94 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं पर आप देख लें, पुनः वी का मान दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो यह मान प्राप्त होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड के। यदि हम इसका वर्ग कर दें तो हमें प्राप्त होगा वी स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो शर्त लगाई गई थी वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी के, इस शर्त का पालन नहीं हो रहा है क्योंकि म्यू एस आर जी का मान वी स्क्वायर से कम प्राप्त हो रहा है, अतः साइकिल सवार तीव्र वार्तुल मोड़ पर फिसल जाएगा। आइए अब जरा सा हम परिचर्चा करेंगे कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति का क्या स्वरूप है।
एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से जरा देखें उस उदाहरण को। माना कि किसी स्मॉल यम द्रव्यमान के पिंड को कैपिटल यल लंबाई के डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में चित्रानुसार घुमाया जाता है। तो ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप जरा सा देखें। मान लीजिए कि यह कोई कण पी है और यह कण पी कैपिटल यल लंबाई के धागे में बंधा हुआ है और इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। कण पी की यदि आप बात करें तो पी स्थिति में इस धागे पर एक तनाव बल काम कर रहा है टी, जो कि वृत्त के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, और इस कण पी का जो भार एमजी है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसे हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक घटक हमें मिला एमजी कॉस थीटा और जो दूसरा घटक मिल रहा है वो एमजी साइन थीटा की। आप देखें वृत्त के कण पर वृत्त के केंद्र की ओर जो परिणामी बल कार्य कर रहा है वो टी माइनस एमजी कॉस थीटा के है, और यही बल कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, जो एक कहता है कि अभिकेंद्र बल बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल के होता है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि टी माइनस एम जी कॉस थ्रीटा ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एल के। और इस समीकरण को आप कुछ इस प्रकार लिख लें, अथवा टी बराबर एम जी कॉस थ्रीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, कुछ इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब यह कण स्थिति पी से चलता हुआ उच्चतम बिंदु सी पर पहुंचता है, तो उच्चतम बिंदु सी पर थ्रीटा का मान होगा 180 डिग्री, तो हो गया देयरफॉर टी सी बराबर एम जी कॉस 180 डिग्री प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। कॉस 180 डिग्री का मान माइनस वन होता है, तो यहां से आप लिख सकते हो अथवा टी सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। यहीं पर हम ये मान ले रहे हैं कि यह जो समीकरण है इस समीकरण को नाम दे दिया समीकरण एक। तो टी सी का मान मिला एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। अब जैसे जैसे कण पी उच्चतम बिंदु सी की ओर जाता है तो आप ध्यान दें कि उसका वेग घटता जाएगा, और यदि हम माने कि किसी क्षण मात्र के लिए टी सी का मान जीरो हो जाता है किस वेग पर v बराबर वी सी पर, तो शून्य बराबर हो जाएगा यम वी सी स्क्वायर बाई एल माइनस यम जी के। इसे आप हल करें तो समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाता है, अथवा एम वी सी स्क्वायर बाई एल बराबर हो गया एम जी के, यम से यम कट गया तो वी सी बराबर मिला अंडर रूट जी एल के। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां स्पष्ट हो जा रहा है कि वस्तु उच्चतम बिंदु सी को पार कर जाएगा यदि उसका वेग VC अंडर रूट GL से बड़ा है या उसके बराबर है। तो VC के इस मान को क्रांतिक वेग कहा जाता है। अब यहां पर देखें वस्तु बिंदु P से उच्चतम बिंदु C तक जाने में इसकी गतिज ऊर्जा में कमी बराबर होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी के। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यह समीकरण हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो गतिज ऊर्जा में कमी कितना हो गया, आप देखें कि बिंदु P पर गतिज ऊर्जा हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और बिंदु C पर उच्चतम बिंदु C पर गतिज ऊर्जा हो गई माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा एम जी L प्लस एल कॉस थीटा के। तो
इसे आप लिख सकते हैं अथवा यम कैंसिल कर दीजिए, इधर यम उभयनिष्ठ लेकर के इस यम से आपने काट दिया, ये हो गया अथवा वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर बराबर 2g, यहां हो गया यल प्लस यल कॉस थीटा के। अब यदि यहां पर हम वी सी स्क्वायर बराबर जी एल के रख देते हैं तो ये हो जाएगा अथवा v स्क्वायर माइनस जी एल बराबर इधर हो गया 2gl प्लस 2gl cos थीटा के। हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा अथवा v स्क्वायर बराबर, यहां से आप लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर 3gl प्लस 2gl cos थीटा के, 3gl प्लस 2gl cos थीटा के बराबर यह मान इस प्रकार से प्राप्त हो जा रहा है। इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा यह समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 cos थीटा, 3 प्लस 2 cos थीटा, और यहां हमने जी एल को कॉमन ले लिया, जी एल को कॉमन लेके बाहर कर दिया गया, तो ये हो गया अथवा v इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 cos थीटा, 3 प्लस 2 cos थीटा जी एल। पुनः देखें कि अब v स्क्वायर के इस मान को यदि हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें समीकरण का स्वरूप किस प्रकार से प्राप्त होगा, आइए जरा सा हम इस पर विचार करते हैं। तो समीकरण एक क्या कहता है, समीकरण एक कहता है t बराबर यम जी cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल के, एम वी स्क्वायर बाई एल के मान रख दीजिए तो यह हो गया अथवा t बराबर एम जी cos थीटा प्लस यम बाई एल, और v स्क्वायर का मान हो गया 3 प्लस 2 cos थीटा और ये हो गया जी एल। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो अंततः हमें t का मान प्राप्त हो रहा है t बराबर 3 यम जी 1 प्लस cos थीटा के, 3 एम जी 1 प्लस cos थीटा के। और यदि आपको स्मरण हो तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने v का मान कितना निकाला हुआ है, ये मिला हुआ है अंडर रूट 3 प्लस 2 cos थीटा जी एल के। तो इन समीकरणों के सहयोग से आइए जरा हम देखें कि विभिन्न स्थितियों में धागे में तनाव बल और वेग v का मान कितना होगा। तो जरा सा आप केस वन देखें, निम्नतम बिंदु A पर थीटा का मान रख दिया 0 डिग्री, तो t बराबर हो गया 3 यम जी 1 प्लस cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि TA बराबर हो गया 6 यम जी के। तथा यदि हम वेग को देखें तो VA बराबर हो गया अंडर रूट 3 प्लस 2 cos 0 GL, तो ये हो गया VA बराबर अंडर रूट 5 GL। इसी प्रकार से केस 2 देखें, केस 2 बिंदु B पर, बिंदु B पर थीटा का मान रख दिया 90 डिग्री, तो TB बराबर मिलेगा cos 90 0 होता है 3 mg, और VB
का मान हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3gL। पुनः आप तीसरा केस देखें, उच्चतम बिंदु C पर, केस 3 उच्चतम बिंदु C पर थीटा रख दीजिए 180 डिग्री, तो इस स्थिति में TC का मान मिलेगा 0 और VC का मान मिलेगा अंडर रूट GL। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति को परिभाषित कर दिया जाता है। बच्चों, यहां पर मैं आपको एक गृह कार्य देने जा रहा हूं। मुझे पूरी आशा है कि इस गृह कार्य को आप करने का प्रयास करेंगे। किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम संहति का कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाता है। आपको पता लगाना है कि डोरी में तनाव कितना है। यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकता है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सकता है। इस गृह कार्य को तो आप हल करने का प्रयास करेंगे ही, साथ साथ इस चैप्टर में और भी जितने आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप तन्मयता के साथ उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हमने आपको कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से संबंधित कई तथ्यों को समझाने का प्रयास किया हुआ है। आप ये जान लें कि भौतिक विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और आंकिक। आंकिक भाग को भी हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, उसको भी हमें उतने ही महत्वपूर्ण रूप से हल करने की आवश्यकता होती है। और हम जब कोई कार्य करते हैं तो अगर हमारे पास योजना है तो हम उस कार्य को आसानी से कर ले जाते हैं। उस योजना की एक आवश्यक कड़ी होती है आपकी समय सारणी। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाई करें, और साथ साथ आप विषय का नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करें। मुझे पूरी आशा है कि उस पूरे चैप्टर का नोट्स भी आपने बना लिया होगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।